नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं मनीष मिश्रा आप सभी का सफलता क्लासेस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों? जैसा कि मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे अलंकार। अलंकारों के उदाहरणों की बात करूंगा। कोरोना वायरस से पूरा भारत परेशान है, इसके मद्देनज़र आप देखेंगे कि हमारी सफलता क्लासेस, अमर उजाला की वेंचर, आप सबको घर बैठे आपकी क्लास प्रभावित न हो इसके लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। हमारे सारे टीचर्स वर्क फ्रॉम होम, घर पे रह के भी आपके शिक्षण कार्य में, आपके अध्ययन में बाधा ना आए इसके लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, आज मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिखेंगे, तो बस चीज़ों को समझते जाना है, चीज़ों को समझते जाना है, चीज़ों को समझते जाना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे मैं क्लास में आपको बताता हूं वैसे ही बताऊं, समझाऊं, सिखाऊं, जिससे चीज़ें आपको जो है एकदम क्लियर होती रहें। सारे सेंटर्स जितने भी लाइव हैं सब देखते रहें, और ये पेनटैप पे क्लास हो रही है तो 5-7 सेकेंड का अंतर होगा जो कुछ भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा। स्टार्ट करते हैं अलंकार, और अलंकार में भी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले शब्दा अलंकार। कौन सा अलंकार दोस्त? शब्दा अलंकार, शब्दा अलंकार, शब्दा अलंकार। और आप शब्दा अलंकार की अगर बात करेंगे तो शब्दा अलंकार में मैंने बताया था सबसे पहला जो अलंकार आता है वो आता है अनुप्रास अलंकार। सबसे पहला जो अलंकार आएगा वो आएगा अनुप्रास अलंकार। इतनी बात क्लियर है? सबसे पहला जो अलंकार आएगा वो क्या है? अनुप्रास अलंकार। इतनी बात क्लियर है सबको? कोई डाउट, कोई परेशानी? किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं? चलो, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रार नहीं, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास के बारे में मैंने कहा था सबसे पहले जहां वर्णों की आवृत्ति हो। तो किन वर्णों की? जहां पे सर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो, आवृत्ति हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति हो, आवृत्ति का मतलब होता है दोहरान, बार बार, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। अब यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, सभी बच्चे देख पा रहे होंगे, सभी समझ पा रहे होंगे। अब इसके भेद मैं आपको बताऊंगा, इसके भेद बताऊंगा, उससे पहले दो एग्जाम्पल, इसके दो उदाहरण हम साथ के साथ कर लेते हैं, दो उदाहरण हम देख लेते हैं, इसके दो उदाहरण, हालांकि आप जानते भी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले बात करेंगे, सबसे पहला उदाहरण जो आपने कक्षा 7 में पढ़ा हुआ है, 8 में पढ़ा हुआ है, चारु चंद की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें, चंचल किरणें। तो जैसे ही आप देखेंगे चारु चंद की चंचल किरणें, यहाँ पे च च च आ जाने से, च च च आ जाने से ये चहक गया है, इसमें आनंद की प्राप्ति हो रही है। ठीक ऐसे ही आप दूसरे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो रघुपति राघव राजा राम, सब में आप देखेंगे र र र आ जाने से, र र र की आवृत्ति हो जाने से राजा राम, ये पूरा आनंद आपको आ रहा है। यहाँ पे भी र, यहाँ पे भी र, यहाँ पे भी र, यहाँ पे भी र। और आजकल मैंने कहा था कि एक मूवी में, एक टीवी में आपने देखा भी था कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, तो वो भी आप कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं तरनी तनुजा तटतमाल, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, कई बार एग्जामों में आता है, तरनी तनुजा तटतमाल, तरनी तनुजा तटतमाल,
तरुवर बहुछाई, तरुवर बहुछाई, तरुवर बहुछाई। तो साहब ये जैसे ही आप देखेंगे समझेंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा त त त के आने से ये सारा कमाल हो रहा है। ये सारा कमाल किसके कारण हो रहा है? त के आने से। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट, कोई परेशानी किसी बच्चे को? सभी सेंटर्स समझ पा रहे हैं भाई? बहुत अच्छे। हमने कहा अनुप्रास का मतलब मैंने आपको पहले ही कह दिया था, अनुप्रास मतलब ये समझना चवन प्रास। अनु का मतलब होता है पीछे, प्रास बार बार, कोई चीज जब रिपीट हो। लेकिन क्या रिपीट होना है यहाँ पे? व्यंजन वर्ण। क्या रिपीट होना भाई? व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार यदि होती है साहब, बार बार होती है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। तीन उदाहरण आपके सामने हैं। अब हमने कहा अनुप्रास के बहुत सारे भेद होते हैं, बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन मुख्य पांच भेदों की बात करेंगे। मुख्य भेद बात करें तो तीन ही हैं, लेकिन यहाँ पे हम पांच की बात करेंगे जिससे चीजें आपको क्लियर होती जाए, समझ में आता जाए। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार के, अलंकार के भेद। तो अनुप्रास अलंकार के भेद में अनुप्रास अलंकार बहुत प्रकार का होता है, लेकिन यहां हम बात करेंगे बेटा पांच प्रकार के बारे में। कितने प्रकार के बारे में? पांच प्रकार के बारे में बात करेंगे। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं छेकानुप्रास की। पहले छेकानुप्रास, छेकानुप्रास। दूसरा वृत्तानुप्रास, वृत्तानुप्रास। और तीसरा बात करेंगे लाटानुप्रास की, लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। कभी कभी यहाँ पे राइटिंग खराब हो जाएगी क्योंकि ये राइटिंग बोर्ड पे नहीं हो रही भाई साहब, ये किस पे हो रही भाई? बिल्कुल सही, सही समझ रहे हैं आप, पेन टैप पे हो रही है। और आदत तो है नहीं, फिर भी आपकी क्लासेस बहुत अच्छी जाएंगी, बहुत अच्छा शानदार पढ़ेंगे आप, आपको पढ़ना होगा। एक बहुत प्यारा गीत याद आ गया, चंदा चले चले ना तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। सभी चलते हैं, तुझे भी चलना होगा। अब साहब यहां देखना, छेकानुप्रास, जहां पे कोई वर्ण, किसी कोई वर्ण क्रम से आए, किससे आए? क्रम से आए। ध्यान से देखना, जहां पे क्रम से आए, किसी वर्ण की आवृत्ति कैसे हो? स्वरूप और क्रम, स्वरूप और क्रम। स्वरूप मतलब उसी स्वरूप में आए, और क्रम दोनों, दोनों साहब, दोनों स्वरूप और क्रम, याद रखना स्वरूप और क्रम एक बार आए। स्वरूपतः व क्रमतः एक बार आए, एक बार आए। स्वरूपतः और क्रमतः यूं लिख देंगे, स्वरूपतः व क्रमतः, स्वरूपतः व क्रमतः, व क्रमतः मतलब स्वरूप से और क्रम से साहब कितनी बार आए? एक बार यदि अगर आता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते हैं छेकानुप्रास। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दूसरा आप जान लें, अगर कोई वर्ण स्वरूप से नहीं, क्रम से नहीं, स्वरूप से, स्वरूप से मतलब वही वर्ण स्वरूप से एक बार आए या एक से अधिक बार, एक बार या अधिक बार, वहां पे क्या समझ लेना भाई? वहां पे ये समझ लेना है कि वहां पे वृत्तानुप्रास है। क्या है? वृत्तानुप्रास है, आपको समझ लेना है, वहां पे वृत्तानुप्रास है। और लाटानुप्रास कहाँ होता है? लाटानुप्रास मैंने आपको बताया, जब कोई वर्ण, बहुत ध्यान से देखना, जब कोई वर्ण नहीं, यहाँ पे कोई शब्द आप देखेंगे, शब्द या शब्द खंड या फिर वाक्य खंड, वाक्य खंड की आवृत्ति हो, वाक्य खंड की आवृत्ति हो,
और एक ही अर्थ निकले, एक ही अर्थ निकले, एक ही अर्थ निकले, अर्थ निकले, वहां पे लाटानुप्रास होता है। अब सबके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, सबके एग्जाम्पल ध्यान से देख लें, सबके एग्जाम्पल ध्यान से देख लेना है। पहला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल नोट करेंगे, सुरुचि सुबास, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुबास सरस अनुरागा, सरस अनुरागा, सरस अनुरागा, अनुरागा। और इसके पहले की लाइन क्या है आपको पहले से पता है, बंदव गुरुपद पदम परागा। इसके ऊपर वाली लाइन है बंदव गुरुपद, बंदव, बंदव गुरुपद, गुरुपद पदुम परागा, पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अब ध्यान से देखना, बंदव गुरुपद पदुम परागा, बंदव गुरुपद पदुम परागा, सब में सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बार बार आप देखेंगे स्वरु स के बाद यहाँ पे र, स के बाद यहाँ पे ध्यान से देखेंगे स के बाद र, स के बाद र, यहाँ पे भी आप देखेंगे स के बाद र, स के बाद र। इसी को कहते हैं स्वरूप से, स्वरूप मतलब स। ऐसा नहीं है अगर सर आए फिर रस आए, ये स्वरूप नहीं, ये स्वरूप नहीं, स्वरूप है सर आए किसी में फिर आगे सर आए, इसे कहते हैं स्वरूप, इसे कहेंगे स्वरूप, स्वरूप से, स्वरूप हो गया, स्वरूप हो गया, एक जैसा रूप। और क्रम से मतलब पहले स आया है फिर र आया है, यहाँ पे भी स आए फिर र आए, इतनी बात क्लियर हो गई। प के बाद यहाँ देखो, प के बाद द आया है फिर यहाँ प के बाद द आया है, इसे कहते हैं स्वरूप से और क्रम से। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा जहाँ भी एग्जाम्पल आ जाए आपको समझ जाना है छेकानुप्रास है, कौन सा अलंकार जो है अलंकार है छेकानुप्रास, अनुप्रास अलंकार सा। अब आगे बढ़ना है, अब आगे बढ़ना है, दूसरा वृत्तानुप्रास, वृत्तानुप्रास एक समझा दूंगा सब समझ में आ जाएगा आपको, वृत्तानुप्रास, वृत्तानुप्रास। तो वृत्तानुप्रास में आप क्या देखेंगे, वृत्तानुप्रास में आप देखेंगे पहला कलावती, 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 केलीवती, केलीवती, कलिंदजा, कलिंदजा, कलावती, केलीवती, कलिंदजा। अब यहां पे आप देखेंगे कोई वर्ण कितनी बार आए, एक बार नहीं एक से अधिक बार आए, याद ध्यान देना, क ल, क ल की आवृत्ति एक से अधिक बार, स्वरूपतः और क्रमतः, स्वरूप से या क्रम से एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार, एक से अधिक बार आए, जब भी एक से अधिक बार आएगा वहां वृत्तानुप्रास होगा, वहां क्या होगा वृत्तानुप्रास होगा, ये बात जान लेंगे वृत्तानुप्रास की, यही परिभाषा है। लास्ट हमने कहा लाटानुप्रास, 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 लाटानुप्रास में आप क्या देखेंगे कि लड़का तो लड़का ही है, लड़का तो लड़का ही है, लड़का ही है, मयंक तो मयंकरी, मयंक तो मयंकरी, मयंकरी। तो मैंने कहा कोई वाक्य खंड, कोई वाक्य खंड या शब्द अगर दोहराया जाता है और अर्थ एक ही होता है, अर्थ सेम होता है, सब दोनों का अर्थ सेम होता है, वहाँ लाटानुप्रास होता है। आई होप ये बात आपको समय का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, अगर ये बात कहा जाए और आनंद आ जाए तो साहब कहते हैं गुरु तो गुरु होता है, गुरु तो गुरु होता है साहब, अगर ये बात कहा जाए वहाँ लाटानुप्रास होता है। अब
एक है भाई श्रुत्यानुप्रास और एक है अंत्यानुप्रास। एक होता है श्रुत्यानुप्रास, सुनने में सुनने में एक जैसा लगे, सुनने में किसी वर्ण की आवृत्ति एक जैसी लगे श्रुत्यानुप्रास, और अंत के वर्ण जिसके समान हो अंत्यानुप्रास। दो प्रकार के, और पहला श्रुत्यानुप्रास, 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 और ये चौथे नंबर पर अंत्यानुप्रास पांचवें नंबर पे। अंत्यानुप्रास आप देखेंगे जब लय सुर ताल हम ध्यान देते हैं जिसके अंत के वर्ण समान हो, अंत के वर्ण समान हो और आनंद आता हो, समान हो और उसको कहने से आनंद आता हो, वहाँ अंत्यानुप्रास हो जाएगा। और जहाँ सुनने से एक जैसे दिख रहे हों और आनंद आ रहा हो श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। तो ये बात रही अनुप्रास अलंकार की, ये बात रही अनुप्रास अलंकार की। नोट्स बना लेंगे, प्रॉपर नोट्स बना लेंगे। पांचों भाग के बारे में हमने बात की, नीचे के दो भाग एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, ना के बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए ज़्यादा हमें गहराई में नहीं जाना है। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ जी भाई, आगे बढ़ें। बिल्कुल सही जवाब, आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसके बाद हम बात करेंगे यमक अलंकार की। कौन से अलंकार की बात करने जा रहे हैं भाई? यमक अलंकार की, यमक अलंकार की बात करेंगे। यमक अलंकार की बात था दो बार, लेकिन पहले का अर्थ अलग हो, अर्थ अलग, दूसरे का अर्थ अलग हो, अर्थ अलग। तो जब अर्थ की बात होती है, अर्थ अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, वहां पे हम क्या कह देते हैं? यमक अलंकार। वहां पे क्या कहते हैं भाई? यमक अलंकार। एक शब्द फिर जहां परय अनेकन बार, अर्थ और ही और हो सो यमक अलंकार। एक शब्द फिर जहां परय अनेकन बार, अर्थ और ही और हो, अर्थ और ही और हो, मतलब एक का अर्थ और दूसरे का और अर्थ हो तो वे सो यमक अलंकार। बस ये आपको याद रखना है, एक शब्द फिर परय अनेकन बार, एक शब्द दोबारा बार बार से अनेक बार पड़ता है, अर्थ और ही और से पुराना। यमक के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक अभंग यमक और दूसरा साफ सभंग यमक। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभंग यमक सभंग यमक। पहला यमक अलंकार का सबसे पुराना, कनक कनक ते शवगुनी, कनक कनक ते शवगुनी, ते शवगुनी मा दक्ता अधिकाय, मा दक्ता अधिकाय कनक कनक ते सौगुनी मा दक्ता अधिकाय या खाए बौराय जग, या खाए बौराय जग, या खाए बौराय जग, बौराय जग वा पावे बौराय, वा पावे बौराय, वा पावे बौराय। बस दो बातें ध्यान देनी थी, पहला कोई शब्द कितनी बार आए, दो बार, एक ही जैसा हो। कनक कितनी बार आ गया भाई, दो बार आ गया, लेकिन उसी वाक्य में कनक का अर्थ दिया रहेगा और दोनों का अर्थ अलग है। या खाए बौराजग मतलब एक को खाने से क्या आदमी हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो क्या खाने से पागल हो जाता है? धतूरा खाने से। तो पहले कनक का अर्थ क्या हो गया भाई? अर्थ हो गया धतूरा, अर्थ क्या हो गया? धतूरा। और या क्या होता भाई? यमक अलंकार होता है। कभी भी परेशान ना होए आप, कभी भी परेशान ना होए आप, इसके लिए कभी भी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है परेशान होने की, कोई जरूरत नहीं है।
आपको बड़े तन्मयता के साथ सीखते जाना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? दूसरा एग्जाम्पल बड़ा आश्चर्यचकित कर देगा आपको। अब लिखना है सारंगले सारंग उड़ियो, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है और मैं जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ तो इस अलंग को, इस अलंकार में इस उदाहरण को देख के भी बहुत मजा आता है। और आप कह सकते हो कहीं पे भी सारंग ले, सारंग ले सारंग उड़ियो, सारंग ले सारंग उड़ियो उड़ियो। अब सारंग ले सारंग उड़ियो, पहला सारंग आप देखेंगे मोर सर्प लेके उड़ रहा है, पहले सारंग का अर्थ है मोर, दूसरे सारंग का अर्थ है सांप। सारंग ले सारंग उड़ियो, आप ध्यान से देखें, सारंग पुग्यो, अब देखो सारंग पुग्यो, सारंग पुग्यो, सारंग पुग्यो। नेक्स्ट सारंग पुग्यो आए, एक लाइन क्लियर हो गई। दूसरी लाइन में आप देखेंगे जे सारंग सारंग कहे, जे सारंग, जे सारंग, इतना कभी भी नहीं आपने देखा होगा, जे सारंग सारंग कहे, जे सारंग सारंग कहे, जे सारंग सारंग कहे, जे सारंग सारंग कहे। मुख को सारंग जाए, मुख को सारंग जाए, मुख को सारंग जाए, सारंग जाए। अब साहब यहां पे आप देखेंगे पहले सारंग का अर्थ है मोर, अब देखो पहले सारंग का अर्थ है, पहले सारंग का अर्थ क्या है भाई, मोर, पहले सारंग का अर्थ है मोर। दूसरे सारंग का अर्थ है सर्प, तीसरे सारंग का अर्थ है, जब तक अर्थ नहीं जानोगे कुछ भी नहीं होगा, पहले शब्दों के अर्थों को समझो, बादल, फिर चौथे का है फिर वही मोर, फिर वही मोर, और जो आप देखेंगे पांचवा बाली या बोर्ड जो है, वाणी या बोली, वाणी होगा वो, वाणी होगा, वाणी या बोली। और छठे का, अब छठे का आप देखो, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया और ये छठा सारंग, मुख को सारंग जाए, मुख को कौन जाए भाई, सारंग जाए, सर्प। आप ध्यान से देखना, इतना तो कभी आपने देखा भी नहीं होगा, सारंग ले सारंग उड़ियो, मोर सर्प को लेके उड़ता है, फिर आप देखेंगे सारंग पुग्यो आए, मतलब बादल में आ गया, सारंग कहां पहुंच गया, बादल में पहुंच गया, मोर कहां पहुंच गया भाई, बादल में पहुंच गया, क्लियर, बादल आ गया। अब ध्यान से देखेंगे, अब फिर सारंग सारंग कहे, मतलब मोर बोलता है, जब जैसे ही बोलता है मुख को सारंग जाए, अब साहब सर्प क्या हो जाता है, तुरंत मुख से निकल जाता है। ध्यान से सोचो कितना प्यारी कथा, कितनी प्यारी बात एक कवि ने कहा है, एक मोर सर्प को लेके उड़ता है, बादल आ जाते हैं साहब, जैसे ही आप बादल आएंगे मोर बोलने लगता है और सर्प मुंह से निकल जाता है, लेकिन सारंग 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 कहके कितना मजा ला रहा है, सारंग ले सारंग उड़ियो, सारंग पुग्यो आए, जे सारंग सारंग कहे, मुख को सारंग जाए, साहब क्या अर्थ है, क्या अर्थ है भाई। इतनी बात क्लियर हो गई, और इतनी बात क्लियर हो गई, अब सबसे आसान आसान से देख लेते हैं भाई, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड, काली घटा का घमंड, दोनों तरीके से, इस तरीके से भी आप घमंड लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती थी, बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती है, बेर खाती है। अब ध्यान से देखना, यहां बेर शब्द
का मतलब है समय से। और पहले बेर का तीन बेर खाती थी। बेर जो फल होता है बैर के पेड़ पे, अगर गांव में रहे होंगे आप तो वो बेर, क्लियर, बेर फल। यहां पहले घटा का अर्थ है काली घटा, घटा का मतलब बादल, घटाएं। और यहां इस घटा का मतलब है घटना। तो काली घटा का घमंड घटा, पहले का बादल, काले बादल का घमंड क्या हुआ, घटा। लेकिन कवि जब लिखता है तो कितने प्यार से लिखता है, कितने जो है कौतूहल पैदा कर देता है। तो ये सारी मतलब देखेंगे मजा आ जाएगा। अब कहते हैं एक गाना आपने सुना होगा, एक गाना आपने सुना होगा, मुझे याद आ गया अभी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो गाना बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, सजना के लिए सजना है। आप ध्यान से देखो, ये मतलब ध्यान से देखें, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना के लिए। अब देखते ही आप समझ जाएंगे, सजना है मतलब तैयार होना है, संवार करना है, श्रृंगार करना है, किसके लिए, सजना मतलब अपने प्रियतम के लिए, अपने प्रियतम के लिए, अपने भाई प्रियतम के लिए। क्लियर हो गई बात, अपने प्रियतम के लिए, अपने पति के लिए, अपने सजना के लिए, ये बात हो गई। यहाँ सजना है मतलब श्रृंगार करना है, तैयार होना है, श्रृंगार करना। क्लियर हो गई बात। चलो अब कबीरा सोई पीर है जे जानहि पर पीर, कबीरा सोई पीर है, कबीरा सोई पीर है, कबीरा सोई पीर है, सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे जाने पर पीर, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर। आप देखेंगे कबीरा सोई पीर है, पीर मतलब सब जो पीर होते हैं, भगवान के संदेश वाहक। औरंगजेब भी खुद को सच्चा पीर कहता था, भगवान का भेजा हुआ दूत, वही पीर है जो दूसरे की पीर मतलब पीड़ा समझे, पीर का मतलब पीड़ा समझे, वही सच्चा पीर है जो दूसरे की पीड़ा समझे। इतनी बात क्लियर हो गई। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयं विदेह विदेह विसेखी। तो ये सारी बातें जो है आपके मन में जो है मजा ले आ देती हैं, जैसे जैसे ये शब्द आपके आगे आते हैं। लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का, कि दिल मेरा मलमल हो गया, कि दिल मेरा मलमल हो गया, लाल दुपट्टा मलमल का, कि दिल मेरा मलमल हो गया। आप ध्यान से, मलमल मतलब मलिन हो गया। कैसा दुपट्टा, वस्त्र मलमल के कपड़े का है। अब ध्यान से देखो, एक बार लिख देता हूं, हमने कहा लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा, लाल दुपट्टा मलमल का, मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का, दिल मेरा मलमल हो गया, दिल मेरा मलमल हो गया, दिल मेरा मलमल हो गया, दिल मेरा मलमल हो गया। मलमल का मतलब मलिन, दिल मेरा मलमल हो गया, दिल मेरा मलमल हो गया, मलमल का मतलब मलिन। यहाँ इस मलमल का मतलब है मलिन हो गया, इस मलमल का मतलब है मलिन हो गया। इतनी बात क्लियर है। और इस मलमल, ध्यान से देखेंगे, इस मलमल, यहाँ पे इस मलमल की बात करेंगे तो मलमल मतलब मलमल का कपड़ा, मलमल का कपड़ा, का कपड़ा। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब निबल के बलराम हैं, ये सारी बातें, सारी बातें, खरी पात्री कान की कौन बहाऊ बानी, आँख कलीन रली करे अली अली जे जानी। तो ये सारी बातें भाई, सारी बातें आप देखेंगे, सब यमक अलंकार की।
आगे बढ़ते हैं एक नया अलंकार लेके, फिर से श्लेष अलंकार की बात करेंगे। हमने चर्चा भी की है श्लेष अलंकार के बारे में, पहले ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार, हमने कहा श्लेष कलेश अलंकार, मैंने आपको पहले ही बताया था श्लेष कलेश, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब श्लेष कलेश, मैंने कहा था श्लेष कलेश। क्लेश कब होता है? श्लेष क्लेश, क्लेश कब होता है? जब एक ही चीज के लिए, एक कोई वस्तु, एक वस्तु है, अलग अलग लोगों का अलग अलग अर्थ है, मत है, एक ही चीज के लिए अलग अलग अर्थ है, किसी का अलग अर्थ है, किसी का अलग अर्थ है, इसका अलग अर्थ है, किसी का अलग अर्थ है, किसी का अलग अर्थ है, ये तीनों अलग अलग अर्थ हो जाएं, अलग अलग अर्थ हो जाएं, ऐसा अलग अलग अर्थ हो जाएं, वहां पे क्या हो जाएगा? अलग अलग अर्थ हो जाएं, वहां पे क्या हो जाएगा? श्लेष कलेश। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट, कोई परेशानी किसी बच्चे को? क्लेश मतलब जब कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसका अर्थ क्लेश हो जाए। एक अनार हो 100 बीमार हो जाए साहब, यही वाली बात है। तो अब इसके उदाहरण में आप देखेंगे, इसके उदाहरण में सबसे पहले प्रकट अनेकन अर्थ जह एक शब्द से होए। अब ध्यान से देखना, लिख लेना है, आप सबको लिख लेना है, प्रकट अनेकन अर्थ जह एक शब्द से होए, ता ही कहत हैं श्लेष कवि, ता ही कहत हैं श्लेष कवि, द्विविधि होवे सोई, द्विविधि होवे सोई। जहां मेरे प्यारे बच्चे प्रकट अनेकन अर्थ जहां एक शब्द से हुए, प्रकट अनेकन अर्थ जहां एक शब्द से अनेक अर्थ प्रकट होते हैं, ता ही कहत हैं श्लेष कवि, वहां श्लेष के कवि कहते हैं कि क्या हो? द्वै विधि होवे सोई, वो अलग अलग विधियों से होता है। तो ये बात आपको समझना है। और दूसरा है कि मेरे इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना या चिपकाना, और बचपन में आपने पढ़ा भी है रहिमन पानी राखिए, ये बचपन में आपने पढ़ा था, बहुत बचपन में यही एग्जाम्पल आपको दिए जाते थे, रहिमन पानी राखिए, रहिमन पानी राखिए, रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, गए न उबरे, उबरे, मोती मानुस चून, मोती मानुस चून, मोती मानुस चून। अब ध्यान से देखेंगे, सून और चून, मोती मानुस चून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून, यहां पे ध्यान से देखेंगे। दूसरी लाइन देखेंगे, पानी शब्द एक बार आया, शब्द कितनी बार? एक बार। अर्थ मोती के लिए अलग, मनुष्य के लिए अलग, चूने के लिए अलग, एक शब्द के तीन तीन अर्थ। जहां पे भी एक अनार 100 बीमार हो जाए साहब, मैंने कहा जहां क्लेश हो जाए बाद बाद में, अलग अलग अर्थ निकलने लगे, श्लेष अलंकार कर देंगे, बिना कुछ सोचे समझे श्लेष अलंकार कर देंगे। श्लेष भी दो प्रकार का आप देखेंगे, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है भाई, देखते ही आप समझ जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, इंद्र नील मणि महाचषक था, एक एग्जाम्पल बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, बहुत पुराना है। इंद्र नील मणि, इंद्र नील मणि, इंद्र नील मणि, इंद्र नील मणि, इंद्र नील मणि महाचषक था, इंद्र नील मणि महाचषक था, महाचषक था, इंद्र नील मणि महाचषक था, इंद्र नील मणि महाचषक था, सोम रहित, आप देखेंगे सोम रहित, सोम रहित उल्टा लटका, उल्टा लटका, एक शब्द क्या है? इंद्र नील मणि, इंद्र नील मणि, कौन सा मणि? इंद्र नील मणि,
महाचषक था, महाचषक था, सोम रहित उल्टा लड़का, लटका, सोम रहित उल्टा लटका। इसमें सोम का मतलब चंद्रमा, सोम का मतलब सोम रहित, और सोम का मतलब साहब यहां पे एक है पहला चंद्रमा, दूसरा जो पिया जाता है सोम रस। तो एक तो चंद्रमा के लिए और दूसरा सोम रस के लिए अलग अलग अर्थ आ रहे हैं, दो दो अर्थ आ रहे हैं। ये एग्जाम्पल बहुत थोड़ा कठिन आपको जान पड़ता होगा, लेकिन इसको नोट कर लें, आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो कुछ चीजें जाननी पड़ती हैं, पहचाननी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। कहते हैं मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, बहुत पुराना एग्जाम्पल है। अब ये जो एग्जाम्पल देने जा रहा हूं बहुत पुराना एग्जाम्पल है, बहुत पुराना, और इसी के साथ आपने यहाँ पे रहमन पानी राखिए, जैसे आपने पढ़ लिया कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, वैसे ही सुवरण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चूर, ऐसा ही एक उदाहरण है। सुवरण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, ऐसा ही एक उदाहरण है। सुवरण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चूर, ऐसा ही सेम एक उदाहरण है। आप ध्यान से देखेंगे, सुवरण को खोजत फिरे, सुवरण को खोजत फिरे, सुवरण को खोजत फिरे, सुवरण को खोजत फिरे, सुवरण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी कवि व्यभिचारी चूर, सुवरण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चूर, सुवरण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चूर, सुवरण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चूर। याद रहेगी बात यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट कोई परेशानी भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट कोई परेशानी। अब देखो सुवरण शब्द कितनी बार, एक बार, और सुवरण से अब तात्पर्य कवि व्यभिचारी और चोर का सीधे समझ लेना है, कवि व्यभिचारी चोर। अब कवि की जब बात आ गई, कवि का सुवरण के लिए अलग अर्थ है, व्यभिचारी का अलग अर्थ है, चोर का अलग अर्थ। सुवरण एक शब्द है, कवि के लिए सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए जो है सुंदर स्त्री, और चोर के लिए भाई सोना। सुवरण मतलब सोना, शब्द एक है लेकिन अर्थ अलग अलग है। साहब तुरंत क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब हमने कहा मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो। आप देखेंगे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, राधा नागरी, राधा नागरी सोई, राधा नागरी सोई, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, राधा नागरी सोई, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। अब जा तन की झाई परे, 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 झाई मतलब परछाई, झाई परे, ता जा तन की झाई परे, झाई परे, परछाई परे, श्याम हरित दुति, श्याम हरित दुति हुई, श्याम हरित दुति हुई, हरित द्विति हुई, द्विति हुई, द्विति, द्विति की बात करेंगे, दुति, दुति हुई, दुति हुई। अब इसका अर्थ ध्यान से देखना। अब पहले हरित द्विति मतलब हरे भरे, हरित द्विति की बात करेंगे, हरित द्विति, सबसे पहले हरित द्विति का मतलब होता है हरे भरे, हरे भरे हो जाते हैं, जिसकी परछाई पड़ने से क्या हो जाते हैं, हरे द्विति, हरे हरे हो, हरे भरे हो जाते हैं,
हरे भरे, कौन हरा भरा हो जाता है, जिसकी परछाई पड़ने से कौन हरा भरा हो जाता भाई। श्याम मतलब देखो, श्याम मतलब एक तो कृष्ण के श्याम, कृष्ण वाले श्याम और कृष्ण वाले श्याम, और दूसरा श्याम रंग, श्याम रंग, यहाँ श्याम रंग से है, यहाँ श्याम रंग से है, यहाँ श्याम रंग से। क्लियर हो गई बात। अब हमने कहा श्याम का अर्थ कृष्ण भी, श्याम का अर्थ श्याम रंग भी। आप ध्यान से देखेंगे, पाप मतलब आपने पता ही कर लिया, अब ध्यान से देखें आप, हमने कहा झाई परछाई, जिनके तन की परछाई पड़ने से कृष्ण हरे भरे हो जाते हैं, कृष्ण क्या हो जा रहे हैं, हरे भरे हो जा रहे हैं, या फिर मेरे प्यारे बच्चे जो कृष्ण रंग है वो क्या हो जाता है, जो श्याम रंग है वो हरित द्वितीय हरा हो जा रहा है जिनकी परछाई पड़ने से। मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनके तन के ध्यान पड़ने से वही राधा, वही राधा, वही राधा नागरी मेरी भव बाधा को दूर करें, जिनके परछाई पड़ने से कृष्ण क्या हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे दो दो अर्थ है, दो दो अर्थ है यहाँ पर, एक तो कृष्ण हरे भरे हो जाते हैं, दूसरा श्याम रंग हरा हो जाता है। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट कोई परेशानी भाई? आप देखो मधुबन की छाती को देखो, मधुबन की छाती को देखो, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। अब एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, आपको दिखाई पड़ेगा, मधुबन की छाती को देखो, 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 सूखी कितनी, सूखी कितनी इसकी कलियां, सूखी कितनी इसकी कलियां, कितनी इसकी कलियां, इसकी कलियां, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, सूखी कितनी इसकी कलियां, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। अब इतनी बात क्लियर हो गई भाई, ध्यान से देख पा रहे हैं आप, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, अलग अलग अर्थ है। हमने कहा मधुबन का मतलब एक यौवन जवानी, और दूसरे मधुबन का अर्थ है उद्यान। तो पहला मधुबन का अर्थ दो, पहले एक यौवन जवानी और सब दूसरा उद्यान, उद्यान अलग अलग अर्थ, उद्यान। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, अब पुष्प कलियां और या फिर आशाएं, यहां पे कली का मतलब, अगर उद्यान है, अगर उद्यान है तो पुष्प कलियों की बात हो रही है, पुष्प कलियों की बात हो रही है, पुष्प कलियों की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे अगर ये यौवन है जवानी है तो आशाओं की बात हो रही है, आशाओं की बात हो रही है। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। एक ही शब्द है जहां दो दो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। अब ध्यान से देखने, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई, मढ़ेतर की गांठ में गांठ गांठ रस होई। तो तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जो आप जो है देखेंगे और पढ़ेंगे जानेंगे। नौ जीवन दो घनश्याम हमें, अब ये तो बहुत प्यारा है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, एक लास्ट बता के आगे बढ़ते हैं। नव जीवन दो घनश्याम हमें, नव जीवन दो, नव जीवन दो घनश्याम हमें, घनश्याम हमें, नव जीवन दो घनश्याम हमें, नव जीवन दो घनश्याम हमें, नव जीवन दो घनश्याम हमें, नव जीवन दो, नव जीवन दो घनश्याम हमें, नव जीवन दो घनश्याम हमें, नव जीवन दो घनश्याम हमें। अब एक नव जीवन दो कौन, घनश्याम हमें। अगर घनश्याम है तो नव जीवन क्या, घनश्याम साहब। अगर कृष्ण है तो नव जीवन देंगे, अगर बादल हैं तो नव जीवन देंगे, बादल हैं, अगर कृष्ण हैं तो जीवन देंगे, बादल हैं तो जल। शब्द एक है, अर्थ अलग अलग है, शब्द एक है, अर्थ अलग अलग है।
क्लियर हो गई, छिपा हुआ है, दो दो अर्थ छिपा हुआ है, अनेक अर्थ एक शब्द में अनेक अर्थ से छिपे हों, याद रखना ऐसा नहीं है कि तीन अर्थ छिपे हों, नहीं अनेक अर्थ छिपे हों और शब्द एक ही बार आया हो। दोनों में अंतर, यमक अलंकार में शब्द कम से कम दो बार आता है लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द एक बार आता है, उसमें अर्थ छिपका हुआ होता है, यही बात समझनी होती है। अगर एक बार समझ में आ गया काम हो गया भाई, एक बार समझ में आ गया काम हो गया, बस ये बात जानने और समझने की। इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट कोई परेशानी किसी बच्चे को भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ें। हाँ जी भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट कोई परेशानी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं भाई वक्रोक्ति अलंकार, किसकी बात करेंगे, वक्रोक्ति अलंकार की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, वक्रोक्ति अलंकार की बात करेंगे। कौन से अलंकार की बात करेंगे, वक्रोक्ति अलंकार, बहुत सारे अलंकार हम पढ़ने जा रहे हैं, वक्रोक्ति की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक कबूतर हाथ देख हाथ में, वक्रोक्ति क्या होता है ये चर्चा कर लेते हैं। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में, बोला कहाँ अपर है, बोला कहाँ अपर है, एक कबूतर देख हाथ में, बोला कहाँ अपर है। तो रानी क्या कहती है, रानी कहती है अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा, रानी ने कहा, उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा, अपर कैसा। वह उड़ गया सपर है, वह उड़ गया, वह उड़ गया सपर है, सपर है, वह उड़ गया सपर है, वह उड़ गया सपर है। अब ध्यान से देखो शब्द क्या था, जब कहा कुछ और जाए, जहां पर कहा कुछ और जाए, कहा कुछ और जाए, जहां पर कहा कुछ और जाए, कुछ और जाए, जहां पर कहा कुछ और जाए, वो अर्थ कुछ और लिया जाए, वो अर्थ कुछ और लिया जाए, अर्थ कुछ और लिया जाए, वहां पर, जहां पर कहा कुछ और जाए, अर्थ कुछ और लिया जाए, वहां पर क्या होता है, वहां पर होगा भाई, जहां पर कहा कुछ और जाए और अर्थ कुछ और लिया जाए, वहां पर होता है वक्रोक्ति अलंकार। कहा कुछ और जाए, समझा कुछ और जाए। यहां पर जहांगीर अपनी नूरजहां से कहता, भाई पहली के रानियां कबूतर हाथ में लिए रहती थी, कहता है कि वो दूसरा वाला कबूतर कहाँ है। तो रानी का दिमाग कहीं और, उन्होंने कहा अपर कैसा, उसके पास पर था इसलिए उड़ गया, वो पूछ रहे थे अपर मतलब दूसरा, अपर मतलब दूसरा कहाँ है, उनका ये कहने का आशय था। इन्होंने समझ क्या लिया, अपर मतलब बिना पैर वाला, बिना पर वाला, पर वाला। जब कहा कुछ और जाए, समझा कुछ और जाए। वक्रोक्ति दो प्रकार की होती है, इसे कहते हैं श्लेष वक्रोक्ति, जहां अर्थ चिपके होते हैं, इसे कहते हैं श्लेष मूला, श्लेष मूला वक्रोक्ति में इसे कहते हैं श्लेष मूला, ये जो उदाहरण है जहां चिपका हुआ है। दूसरा कहते हैं काग मूला, काग मूला, बोलने में अंतर हो जाए, काग मूला। दूसरा जो काग मूला है, हमने कहा रोको मत जाने दो, अर्थ बोलने से परिवर्तित हो जाता है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, बोलने से अगर अर्थ बदल जाए, एक अर्थ दूसरे अर्थ में समझ लिया जाए, वहां काग मूला होता है। इस प्रकार से वक्रोक्ति के दो भाग आपके
आपको पढ़ने होते हैं, जानने होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई संदेह, कोई परेशानी किसी भी बच्चे को? भाई तो जवाब दे, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई परेशानी किसी भी बच्चे को, एक्स वाई जी किसी भी बच्चे को कोई परेशानी हो तो बताए। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से गौर से देखिए साहब। एक होता है विप्सा अलंकार, एक क्या होता है विप्सा अलंकार, मैंने बताया जहां विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार घृणा के लिए प्रयोग होता है, घृणा के अर्थ में, घृणा के अर्थ में। कोई शब्द कई बार बोलकर, बोलकर घृणा पैदा करना, जैसी छी छी छी, छी छी छी, छी छी छी, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, कुल की मर्यादा चौपट कर दी, कुल की मर्यादा चौपट कर दी, कुल की मर्यादा चौपट किया, मर्यादा चौपट किया, चौपट किया, छी छी छी, ये तो ने क्या किया, कुल की मर्यादा चौपट किया। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट दूसरा है भाई, दूसरा ध्यान देने की बात है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा ध्यान देने की है, क्या हमने कहा राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, इतना करते हो मांसाहार, तुम करते हो मांसाहार, तुम करते हो मांसाहार, तुम करते हो मांसाहार, 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 तुम करते हो मांसाहार, राम राम राम, तुम करते हो मांसाहार। तो साहब यहां घृणा प्रकट करने के लिए, विपक्षा प्रकट करने के लिए अगर किसी शब्द का कोई अर्थ आप देखेंगे लगाया नहीं जाता, विष में आदि आग लगा के ये बनाया जाता है भाई। यहां तक शब्दालंकार में किसी को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताए, यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी किसी बच्चे को, गलती से भी अगर कोई डाउट हो तो वो समझाएंगे, बताएंगे। एक घंटे की आपकी क्लास हो गई, बहुत आनंद आया होगा। अब इससे भी ज्यादा आनंद आपको आने वाला है, इससे ज्यादा आनंद आने वाला है भाई, इससे ज्यादा आनंद आने वाला है आपको, इससे बहुत ही ज्यादा आनंद आने वाला है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अर्था अलंकार। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? अर्था अलंकार पढ़ने जा रहे हैं, अर्था अलंकार पढ़ने जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है आपको। अर्था अलंकार हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है आपको साहब, बहुत ज्यादा मेहनत करने की, याद रखना आप, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। अलंकार समझना है, आनंद लेना है, जीवन में प्रयोग करना है। अगर एक बार प्रयोग करना सीख गए तो लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो साहब स्टार्ट करते हैं अर्थालंकार, जहां पे अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करते कवि अर्थालंकार कहलाता है, अर्थालंकार, जहां अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किए जाते हैं। यहां तक क्लियर हो गई? पहला उपमा अलंकार, हम क्या पढ़ेंगे? उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। चार चार उदाहरण मैं करवा रहा हूं आपको, चार चार उदाहरण करवा रहा हूं। सबसे पहले आप जान लें, जहां उपमेय, उपमान, जहां पर उपमेय उपमान, जहां पर उपमेय उपमान, जहां पर ध्यान से देखें उपमेय उपमान, उपमेय उपमान, फिर से ध्यान से देख लें, जहां उपमेय उपमान गुण वाचक शब्द,
ये चार चीजें होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। सीता चांद जैसी सुंदर है, चांद सी सुंदर है, चांद सी सुंदर है, सुंदर है। इसका प्रयोग आप अपनी प्रेयसी को खुश करने के लिए कर सकते हैं। सीता चांद सी सुंदर है, सिंपल सी बात आपको बताना है। कोई भी चीज, व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु या स्थान, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इस दुनिया में यदि प्रसिद्ध है, किसी गुण धर्म के लिए प्रसिद्ध है, किसी गुण धर्म के लिए प्रसिद्ध है, गुण धर्म के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है, लिए प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है तो उसका याद रखना, किसी गुण धर्म के लिए प्रसिद्ध है तो उसका मतलब उस गुण धर्म का उपमान कहलाता है, उपमान कहलाता है। यहाँ पे हमेशा चंद्रमा सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रमा किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है बेटा। चंद्रमा किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, किसके लिए? सुंदरता के लिए चंद्रमा प्रसिद्ध है। और साहब यहाँ से चीज़ें आपको मिलती हैं, आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। सीता जिसकी तुलना की जाती है, ध्यान से देखो, जिसकी तुलना की जाती है उपमान से, जिसकी तुलना प्रसिद्ध चीजों से की जाती है, जिसकी तुलना प्रसिद्ध वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान से की जाए, प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु, स्थान से की जाए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान से की जाए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान से की जाए, स्थान से की जाए, स्थान से की जाए, जिसकी तुलना व्यक्ति, वस्तु, स्थान से की जाए, उसे क्या कहते हैं? उपमेय। या यूं सिंपल शब्दों में, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, उपमेय होता है। क्या होता भाई? उपमेय। जिससे की जाती है वो उपमान होता है, जिससे तुलना की जाती है उपमान होता है, जिससे तुलना की जाती है, तुलना की जाती है उपमान होता है, उपमान। यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अब मेरे प्यारे बच्चे, हम बात करेंगे उपमा अलंकार की। किसकी बात करने जा रहे हैं? उपमा अलंकार की। और मैंने आपको बताया यहां पे सम, सरिस, समान, जैसा, जैसी, जैसे। तुलना कैसे किया जाता है एक गुण के दूसरे? जैसा, जैसी, जैसे, अगर ये शब्द आ जाए, मतलब इन्हीं को हम कह सकते हैं, सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, मतलब जैसा, जैसी, जैसे में सा, सी, से अगर आ जाए, सम आ जाए, सरिस आ जाए, समान आ जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं, भी अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे करने जा रहे हैं, जो आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। तो सबसे पहले जो है हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहला यहाँ पे उपमा अलंकार में, उपमा अलंकार में सबसे पहले पीपर पात सरिस मंडोला। सबसे पहले कौन सा? पीपर पात सरिस मंडोला उपमा अलंकार का उदाहरण। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार पहला भाई, पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस मन डोला, मन डोला, देखते ही आप बता लेंगे। हमने कहा तुलना होनी चाहिए किसके जैसा? पीपर पात मतलब पीपर के पत्ते के जैसा, पात मतलब पत्ते के जैसा। मन कैसे डोला? मन की तुलना पीपर के पत्ते से हुई, तुलना हुई। सरिस मतलब समानता की गई, समान
मतलब तुलना की गई। जब दो व्यक्तियों वस्तुओं में क्या किया जाता है भाई, तुलना किया जाता है, वहां उपमा अलंकार होता है। नो डाउट उपमा अलंकार होता है। हमने कहा करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, करिकर करिकर सरिस, करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, सुभग भुज दंडा, भुज दंडा, करिकर भुज दंडा, करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, करिकर सरिस सुभग भुज दंडा। अब ध्यान से देखें, करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, यहां पे आपको बताना है करिकर सरिस, सरिस शब्द आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। वाचक शब्द तो आपने जान लिया, अब वाचक शब्द तो आपने जान लिया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बड़े ध्यान से चीजों को कर पा रहे हैं। वाचक शब्द तो एकदम क्लियर है, सरिस शब्द आ गया तुरंत आपने कर लिया, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे हमने कहा करिकर का अर्थ तो जानना होगा, भुज दंडा, भुज दंड, यहाँ उपमान क्या है, करिकर, करिकर के जैसा सुभग भुज दंड है, करिकर के जैसा सुभग क्या है, भुज दंड है। सुभग मतलब सुंदर, सुभग मतलब सुंदर भाई, इतनी बात क्लियर। मोम सा तन जल चुका, दीप सा दिल जल रहा है, मोम सा तन जल चुका, दीप सा दिल जल रहा है। अब ध्यान से देखना, अब आपके लहजे में आ रहा हूं, मोम सा तन जल चुका, मोम सा तन जल चुका, तन जल चुका, मोम सा तन जल चुका, मोम सा तन जल चुका, मोम सा तन जल चुका, दीप सा दिल जल रहा है, दीप सा दिल जल रहा है, जल रहा है, दीप सा दिल जल रहा है। क्लियर हो गई बात, मोम सा तन जल चुका, दीप सा दिल जल रहा है। अब जैसे ही आप देखेंगे सा, साहब यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, सा मतलब तुलना, किसके जैसा, दीपक सा क्या जल रहा है भाई, दिल जल रहा है, और मोम सा कैसा जल रहा है, तन जल रहा है। तुलना हो गई तन की मोम से और दिल की दीपक से, साहब क्या हो जाएगा, नो डाउट आपको जवाब समझ में आ गया होगा, ये बात आपको समझ में आ जाएगी, नो डाउट आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी और निश्चित रूप से आ जानी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे, हंसने लगे अब हरि आहा, पुरणेंदु सा मुख खिल गया। हंसने लगे, हंसने लगे, जब भी आप बताएं हंसने लगे तब हरि आहा, हंसने लगे, हंसने लगे, हंसने लगे तब हरि आहा, तब हरि आहा, आहा हंसने लगे तब हरि आहा। मुख किसके जैसा, मुख मृगेंद्र सा, अब ध्यान से देखें, मुख पुरडेंदु सा, पुरड इंदु चंद्रमा, पुरडेंदु सा खिल उठा, पुरडेंदु सा खिल उठा, खिल उठा। जैसे ही आपने देखा सा शब्द आ गया, मुख किसके जैसा खेला, मुख पुरडेंदु सा खेला, पुरडेंदु सा, पुरडेंदु की तुलना किससे, मुख से की गई है जब हंसने लगे प्रभु। कि इतनी बात क्लियर हो गई, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। राधा बदन चंद सो सुंदर, राधा बदन हमने कह दिया, राधा बदन चंद सो सुंदर, राधा बदन चंद सो सुंदर, चंद्र सो सुंदर, चंद्र सो सुंदर, राधा बदन चंद्र सो सुंदर। जैसे ही आपने देख लिया राधा बदन चंद्र सो सुंदर, अब सब आपको कहने की जरूरत नहीं है, अब आपको कहने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, सच्चाई क्या है। क्लियर हो गई बात, यहां तक किसी को कोई डाउट कोई परेशानी, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट कोई परेशानी। सिंपल सा, मधुकर सरित संत गुण ग्राही, मधुकर सरिस संत
गुणग्राही। मधुकर, मधुकर के दो अर्थ होते हैं मेरे प्यारे बच्चे मधुकर के, लेकिन यहाँ पे मधुकर मतलब चंद्रमा, मधुकर सरिस्व, संत गुणग्राही। अब संत किसके समान होते हैं? मधुकर के समान होते हैं, मधुकर अमृत भी समझ सकते हैं, मधुकर सरिस्व संत गुणग्राही, गुणग्राही मधुकर सरित संत गुणग्राही मधुकर शरिस संत गुणग्राही, गुणग्राही हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहां तक हो जाएगा किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? किसी भी बच्चे को यहां तक भैया कोई दिक्कत कोई परेशानी? जल्दी जवाब दें, नहीं है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ें भाई। चलो अब अब रूपक अलंकार पे आ जाते हैं। रूपक अलंकार हमने कहा जहां उपमेय में उपमान को मिला दिया जाए, रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान को मिला दिया जाए, उपमेय उपमान एक कर दिया जाए, उपमेय व उपमान, जहां उपमेय व उपमान एक कर दिया जाए, एक कर दिया जाए, एक कर दिया जाए, जहां उपमेय और उपमान एक कर दिया जाए, जहां उपमेय और उपमान क्या कर दिया जाए? एक कर दिया जाए, जहां उपमेय और उपमान एक कर दिया जाए, जहां उपमेय और उपमान क्या कर दिया जाए भाई? एक कर दिया जाए, एक हो जाए, वहां पे रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, भेद खत्म हो जाए, भेद जहां पे खत्म हो जाए रूपक अलंकार होता है। अब अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। अवधेश के बालक, अवधेश के बालक, अब ध्यान, अवधेश बहुत से लोग गलत लिखेंगे, अवधेश के बालक ध्यान से देखना, यहां पे रामायण में कभी बड़ा सा नहीं आया है, तो अवधेश के बालक चारि सदा, अवधेश के बालक चारि सदा, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। तुलसी मन मंदिर, मन मंदिर में बिहरें, मन मंदिर में बिहरें, तुलसी मन मंदिर में बिहरें, बिहरें मतलब विचरण करें, बिहरें, तुलसी मन मंदिर में बिहरें, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। अब मन को ही मंदिर मान लिया गया, मन जैसा मंदिर नहीं, मन को ही मंदिर मान लिया गया, तो साहब यहाँ पे क्या हो गया? जहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु, यहाँ पे उपमेय उपमान एक हो जाए, मन को ही मंदिर मान लिया, मंदिर में जो है देवता निवास करते हैं, यहाँ अवधेश के बालक चार सदा मन मंदिर में भी हैं, तुलसी के मन मंदिर में बिहर रहे हैं, विचरण करना है भाई। अब अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट नागरी छुई। अब आप ध्यान से देखना, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट नागरी छुई। अब तारा घट नागरी को, तारा घट, तारा घट तारों का जो बादल है वो अंबर पनघट, अंबर आकाश रूपी पनघट में डूबो रही है, साहब ये क्या है? अंतर ही खत्म कर दिया, रूपी ने आकाश को ही पनघट मान लिया, आकाश को पनघट मान लिया, आकाश को तारा घट, तारा घट, घट मतलब घड़ा, तारा रूपी जो घड़ा है, तारा रूपी जो घड़ा है उसको कहाँ डुबो रहे भाई? पनघट में, आकाश रूपी अंबर रूपी पनघट में डुबो रहे। कभी भी क्या लिखता है, शब्दों को क्या चुन चुन के लिखते हैं, अंबर पनघट में डुबो रही। अब ध्यान से देखना, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट नागरी, तारा घट नागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट नागरी। क्लियर हो गए भाई? उषा तारा घट नागरी, यहाँ
ताराघट, उषा नगरी, उषा नगरी। अब ध्यान से देखें, अंबर पनघट, अंबर को पनघट मान लिया भाई, कोई अंतर नहीं, अंबर पनघट एक कर दिया, ताराघट उषा नगरी, तारा को घड़ा बना दिया साहब। तो यहां पे जब एक उपमेय उपमान का अंतर समाप्त कर दिया जाता है, वहां पे क्या हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, नहीं होनी चाहिए। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। अब ध्यान से देखना, बहुत प्यारी लाइन है और आपको याद भी रहनी चाहिए। जय 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 गिरिराज किशोरी, गिरिराज किशोरी, गिरिराज मतलब पर्वत की पत्नी, गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी मुख। अब देखो ध्यान से देखना, हमने कहा जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख। अब ध्यान से देखना, जय महेश मुख, जय महेश मुख, जय महेश मुख, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। अब ध्यान से देखना, यहां महेश मुख चंद्र चकोरी, अब महेश मुख भगवान महेश के मुख की चंद्र चकोरी है, महेश मुख, महेश और यहां चंद्र चकोरी। चकोर जिस प्रकार से चंद्रमा को देखता है, क्लियर हो गई, वही बात, महेश का मुख उसी प्रकार से हो गया, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, क्लियर। प्रस्तुत में आप देखेंगे, हमने कहा भगवान महेश के मुख को चंद्र के रूप में पर्वत राज की पुत्री पार्वती जी की बात हुई है। धर्म की इतनी बड़ी बात जो है आपको कह दी गई कि माना गया कि चंद्रमा के होने पर ही चकोर का अस्तित्व होता है, जिस प्रकार से चंद्रमा के होने पर ही जो है चकोर का अस्तित्व होता है, ठीक उसी प्रकार से महेश के होने पर ही यहाँ पे इनका अस्तित्व होगा, ये रूपक हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, तुलना ही कर, अंतर ही खत्म कर दिया। अब जो आप पढ़ेंगे, अब जो आप जानेंगे, अब आप जानेंगे, दो और एग्जाम्पल आप यहाँ पे कर लें, अब दो एग्जाम्पल और कर लेंगे। आशा मेरे हृदय मरु की मंजु मंदाकिनी है, आशा मेरे हृदय की मंजु मंदाकिनी है, आशा मेरे हृदय की मंजु मंदाकिनी है, आशा मेरे हृदय की, आशा मेरे हृदय की, आशा मेरे हृदय की, आशा मेरे हृदय की, हृदय की मंद मंजाकिनी है, मंद मंजाकिनी है। जब से आप देखेंगे मंजु मंदाकिनी है, मंजु, मंजु मंदाकिनी है, मंदाकिनी है। अब ध्यान से देखना, मंजु है नहीं, अब आशा क्या है, मंजु मंदाकिनी है, गंगा, मंदाकिनी गंगा को कहा गया, मंजु मंदाकिनी है। अंतर ही खत्म कर दिया गया, अंतर ही खत्म कर दिया गया, अंतर ही खत्म कर दिया गया। दोनों रूपक एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। प्रस्तुत में आप देखेंगे मरु के रूप में, आप देखो मरु की मंज मंद, मेरे हृदय की मरु की मंद मंजाकिनी है, एक शब्द हृदय मरु, हृदय में मरु लिख लेना, मरु मतलब पर्वत, मरु मन की मंज मंदाकिनी, ये चीज लिख लेना। हमने कहा हृदय को मरु के रूप में धारण कर लिया, आशा मेरे हृदय मरु, मतलब मरु मतलब पर्वत, हृदय रूपी पर्वत की आशा क्या है, मंदाकिनी है, क्लियर। इतनी बात समझ में आई, एक दूसरे के कारण ये पारंपरित रूप से रूपक अलंकार है, पारंपरित सबसे कठिन ये था, ये भी मैंने आपको बता दिया, आसान तो आप कर ही लेंगे, आसान आप कर लें। एक छोटा सा शिशु है मेरा, जीवन निष्का सुबह सवेरा, एक छोटा सा शिशु मेरा, जीवन नभका से सबेरा, ये जो है आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। एक बहुत प्यारा और आसान सा एग्जांपल आपको बता देंगे, मैया मोहे चंद्र खिलौने लेना, मैया मोहे, मैया मोहे, मैया मोहे
चंद्र खिलौने ले हूँ, मैया मोहे चंद्र खिलौने ले हूँ, चंद्र खिलौने, चंद्र खिलौने ले हूँ। आप ध्यान से देखो, मैया मोहे चंद्र खिलौने ले हूँ। चंद्र खिलौने मतलब चंद्रमा के समान ही खिलौना नहीं चाहिए, यहाँ चंद्रमा ही खिलौने के रूप में चाहिए। सब रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय उपमान अभेद हो जाए, रूपक अलंकार। अवधपुरी अमरावती दूजी, अवधपुरी अमरावती दूजी, अवधपुरी, अवधपुरी अमरावती दूजी, अमरावती दूजी। आप ध्यान से देखना, अवधपुरी अमरावती दूजी, यहाँ पे अवधपुरी अमरावती के जैसे नहीं, अवधपुरी अमरावती दूजी और अमरावती है, डायरेक्ट मान लिया भाई अमरावती है। अवधपुरी क्या है, दूजी अमरावती बना दिया, कोई भी जो है यहाँ पे छिपाने बताने या तुलना करने की कोशिश नहीं की। अपर धनेश जनेश या नहीं पुष्पक आसीन, इन सब में आप देखेंगे मजा आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आसान सी बात थी, मैंने पहले भी आपको बताया था, बस इतना आपको समझना है। उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है, जहाँ उपमेय उपमान में अंतर ना रह जाए, जहाँ उपमेय उपमान में अंतर ना रहे, में अंतर ना रहे, जहाँ उपमेय उपमान में अंतर ना रहे। अगर ऐसा है भाई, जहाँ उपमेय उपमान में अंतर ना रहे, अगर ऐसा है तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई डाउट कोई परेशानी किसी भी बच्चे को भाई, यहाँ तक क्लियर? किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, अब नेक्स्ट अलंकार पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। कुछ टफ शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, हो सकता है समझ में ना आ रहा हो। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करने जा रहे हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार की। पहला उदाहरण, पहले हमने कहा यहां क्या किया जाता है, उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है, उपमान की कल्पना होती है, कल्पना की जाती है, होती नहीं है, कल्पना की जाती है, कल्पना की जाती है। और अगर ऐसा किया जाता है तो वहां पे सब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ज्यों मनु मानो मनह जानु जानो जनह जनह मनु मानो मनह जनु जानो जनह, ये सारे क्लियर? मनु मानो मनह जनु जानो जनह, इन सब की ये सारे शब्द आ जाएं तो सब वहाँ पे क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। आप ध्यान से देखो, उत्प्रेक्षा में क्या है, अगर ऐसे शब्दों पे आप देखेंगे, सिंपल सी बात मैंने आपको बता दिया उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में, कि भैया एक ही बात है कि जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए। तुम चाँद जैसे नहीं हो, सब मानो तुम चाँद हो, मानो तुम चाँद हो। अगर हमने ऐसा कर दिया, मानो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मानो तुम चाँद हो, मानो तुम चाँद हो, अगर ऐसा हमने कह दिया तो काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई डाउट कोई परेशानी किसी बच्चे को? यहां तक कोई परेशानी कोई डाउट किसी बच्चे को भाई? नहीं है भाई, चलो बहुत अच्छे, कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण देखो, दादुर धुनि चहु और सुहाई। अब एग्जांपल देखो भाई, दादुर धुनि, दादुर धुनि चहु और सुहाई, दादुर धुनि चहुओर सुहाई, वेद पढ़त जनु बटु समुदाई, वेद पढ़त जनु, वेद पढ़त जनु, जनु
वेद पढ़त जनु बटु समुदाय, बटु समुदाय। अब ध्यान से देखना, यहां शब्द क्या गया, जनु मतलब जैसे, दादुर धुनि चहूर सुहाई, वेद पढ़त जनु बटु समुझाई। ऐसा लगता है कि वर्षा ऋतु में चारों ओर मेढकों की आवाज सुनाई पड़ रही है और यह आवाज ऐसे लग रही है जैसे कि आश्रम में शिष्य वेद पाठ कर रहे हों। बटुक मतलब होता है ब्राह्मण, जो जनेऊ हो चुका है ऐसे ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं। वेद पढ़त जनु बटु समुदाय, दादुर धुनि चहूर सुहाई। दादुर मतलब मेंढकों का, बरसात के महीने में आप देखते हैं मेंढक टर 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 बोलने लगते हैं सब, ऐसा अगर जब भी होता है तो बाद दादुर धुनि चहूर सुहाई वेद पढ़त जनु, ऐसा लगता है कि मानो ऐसा लगता है भाई, जानो ऐसा लगता है वेद पढ़त जनु बटु समुदाय, कि वेद पढ़ते हैं किसी आश्रम में ऐसा प्रतीत होता है। एक और, उस काल मारे क्रोध के तने कांपने उसका लगा, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, कई बार पूछा गया है। उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, जयद्रथ ने मनु का वध कर दिया है, ऐसे समय में अर्जुन क्रोध से पागल मारना चाहते हैं। उस काल मारे क्रोध, कितना क्रोध, तन उसका कांपने लगा, तन क्या हो गया भाई, कांपने लगा, मानो हवा के बीक से, हवा के बीक से ऐसा लगता है कि जैसे सागर में फिर से तूफान आ गया है, वो जग गया है। तो यहां पे मानो, ऐसा मानो, मान लेना है, तो मन मानो जनु जानो, मैंने अगर कहा था, ऐसे शब्द आ जाते हैं तो भैया काम अपना हो जाता है, देखते ही आप पहचान लेंगे। अगर ऐसी बात हो गई तुरंत आप देखते ही पहचान लेंगे। क्लियर हो गई बात, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कितने एग्जाम्पल करें, लेकिन यहाँ पे स्वर्ण सालियों की कलमे थी दूर दूर तक फैल रही, सरज इंदिरा के मंदिर की मानो कोई गैल रही। तो मानो कोई गैल रही, लिखूंगा नहीं, सुनना है आपको, फिर से मैं बोल रहा हूँ। रत्न भरण भरे अंगों में आप देखो, फिर से लिख देता हूँ भाई, नहीं तो आप कहेंगे सर नहीं लिख रहे। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में ध्यान देंगे। अति कटु वचन कहत कैकेयी बहुत जो है, बहुत ज्यादा अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरय पर दें मतलब नमक, जरय पर, जले पर नमक छिड़कना। अति कटु वचन कहें कैकेयी मानहु लून जरे पर दे। इतनी बात क्लियर हो गई,
यहां तक। हमने कहा मन मतलब मानव, मान लो कि जैसे ही उन्होंने कटु वचन बोले, कठिन वचन बोले, जो है तीक्ष्ण वचन बोले यहाँ पे, तो ऐसा लगता है कि जले हुए शरीर पर, देह मतलब देह पर लून मतलब नमक छिड़का गया है। तो ये सारी बातें आप देखेंगे, नीको सतु ललाट पर टीको चरित जराई, नीको आप ध्यान से देखेंगे, नीको सतु ललाट पर, नीको सतु ललाट पर, नीको सतु ललाट पर टीको चरित जराय, टीको चरित जराय। फिर आप देखेंगे यहाँ पे छवि बढ़ावत रवि मनाऊ सरिस मंडल में आए, ऐसी छब लगती है जैसे सरिस मंडल में कोई आ गया है। क्लियर है? तो बस इतना ही जानना है, अगर कहीं ज्यों शब्द आ जाए, रत्नाभरण भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे। एक एग्जाम्पल ये लिख लें आप, रत्नाभरण, 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 जैसे आप देखेंगे रत्नाभरण भरे अंगों में, रत्नाभरण भरे अंगों में, रत्नाभरण भरे अंगों में, रत्नाभरण भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे, ऐसे सुंदर लगते थे, रत्नाभरण भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे, ऐसे सुंदर लगते थे, रत्नाभरण भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे, रत्नाभरण भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे। ज्यों प्रफुल्ल वल्ली पर, ज्यों प्रफुल्ल वल्ली पर, ज्यों प्रफुल्ल, ज्यों प्रफुल्ल वल्ली पर, ज्यों प्रफुल्ल, ज्यों शब्द आ गया जैसे, प्रफुल्ल वल्ली पर, प्रफुल्ल वल्ली पर, ज्यों प्रफुल्ल वल्ली पर सौ सौ जुगनू जगमगा जाते थे, सौ सौ जुगनू जगमग जगते थे, सौ सौ जुगनू, सौ सौ जुगनू जगमग चलते थे, जगमग जलते थे, जगमग जलते थे, इतनी बात क्लियर हो गई भी। रत्नाभरण भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे ज्यों प्रफुल्ल वल्ली पर सौ सौ जुगनू जगमग जलते थे। अब साहब इतनी सी बात हो गई, हमने कहा ज्यों शब्द आ गया, ज्यों शब्द आ गया आपका काम हो जाएगा कि शरीर के अंगों पर पहने आभूषण ऐसे लगते थे जैसे प्रफुल्लित लता पे एक चारों तरफ से खिली हुई लता पे सौ सौ जुगनू बैठे जगमगा रहे हैं। मजा आ गया भाई, ऐसे चीजें देख कर जो है मजा आ जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात। और एक जो है कई बार एग्जाम में आता है, एक उदाहरण बहुत प्यारा है, आप नोट कर लें, नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, अब लिख देता हूं मैं आपको, नील परिधान, नील परिधान, नीले वस्त्रों में नील परिधान, नील परिधान बीच सुकुमार, 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 खुल रहा मृदुल अधखुलांग, खुल रहा मृदुल, खुल रहा मृदुल मधुर, मृदुल अधखुला अंग, अधखुला अंग, अधखुला अंग, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली, खिला हो ज्यों, खिला हो ज्यों, खिला हो ज्यों बिजली, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, बिजली का फूल जैसे खिला, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल मृदुल अध खुला अंग, खुल रहा, यहां पे खुल रहा होगा भाई, खुल रहा मृदुल, हमने कहा लय नहीं बन रहा, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यो बिजली का फूल, खिला हो ज्यो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, मेघवन बीच गुलाबी रंग, मेघवन बीच, मेघवन बीच गुलाबी अंग, गुलाबी अंग। अब ध्यान से देखना,
सुकुमार, यहाँ पे कहते हैं भाई सुकुमार, एक नेवड़ा, नई स्त्री, नई औरत, नील परिधान, नीले वस्त्रों के बीच में ऐसे लग रही है, उसके खुले हुए अंग को देख के नीले वस्त्रों में ऐसा लग रहा है जैसे बिजली का फूल खिला है। नीले नीले बादलों में आप देखते हो जब बिजली चमकती है तो बिल्कुल गुलाबी अंग में हो जाती है, नीले में जब बिजली चमके गुलाबी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, तो उस प्रकार से उसका शरीर जो है लग रहा है। और सब तो आ गया, ज्यों मतलब ज्यों बिजली का फूल, कैसे लग रहा है जैसे बिजली का फूल हो, मजा आ जाएगा। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं भाई, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। प्राण प्रिया मुख जगमगाती नीले अंचल चीर, एक और लिख लें साथ के साथ, प्राण प्रिया, हमने कहा बार बार लिखना है, प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, ध्यान से देखें, मुख जगमगाती, प्राण प्रिय, प्राण प्रिय मुख जगमगाती, प्राण प्रिय मुख जगमगाती, प्राण प्रिय मुख जगमगाती, प्राण प्रिय मुख जगमगाती, नीले अंचल चीर, नीले अंचल चीर, अंचल चीर। और दूसरा है मानव कलानिध झलमलाए, मानव कलानिधि, कलानिधि झलमलाए, कलानिधि, मानव कला निधि झलमलाए, झलमलाए, ऐसा लगता है जैसे कला निधि, मेरे प्यारे बच्चे, चंद्रमा, कलाओं, 16 कलाओं से परिपूर्ण निधि, कलाओं के देवता, कालिंदी के नीर, कालिंदी के नीर, कालिंदी के नीर, मेरे प्यारे बच्चे, नीर मतलब होता है पानी। और जैसे ही आप कालिंदी, किसको कहा गया, यमुना जी को, यमुना जी के नीर में, जैसे यमुना जी का साफ सुंदर जो है जल, उसमें क्या करें, मानो कलाने झलमले, झलमल झलमल कर रहे हैं, जैसे उनका प्रकाश आ रहा है, चमक रहा है रात में। प्राण प्रिय मुख जगमगाती, प्राण प्रिय मुख जगमगाती, प्राण प्रिय, प्रिय के, मेरी जो है प्रेमिका, नायिका का मुख किस प्रकार से जगमगा रहा है, जैसे नीले अंचल चीर, नीले आंचल से चीर के ऐसे पता चल रहा है, मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे पता चल रहा है जैसे चंद्रमा यमुना नदी में जो है झलमल झलमल करता है सब। कितना मजा आया होगा आपको। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ लिया आपने, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी, बस इतना ध्यान देना भाई, अगर कहीं पे भी मनहु जनहु जानो मानो ज्यो, अगर ऐसे शब्द आ जाए, बस इतना ध्यान देना, अगर ऐसे शब्द आ जाए भाई, जहाँ पे क्या है, कल्पना की जाती है उपमेय में उपमान की, कल्पना की जाए, जहां कल्पना की जाए उपमेय में उपमान की, उपमेय में उपमान की, वहां पर होता है, या उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए वहां पर होता है। यहां तक क्लियर, कोई डाउट, कोई परेशानी, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब दूसरे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, अब दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरे अलंकारों के एग्जाम्पल देखेंगे। चलो भाई यहाँ तक क्लियर है। अब अतिशयोक्ति पे आते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, मैंने पहले ही बताया था, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति मतलब बहुत बढ़ा चला, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, जहां पे बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, अतिशयोक्ति अलंकार, जहां पर बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वर्णन किया जाए, जहां पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए,
इतनी बात क्लियर हो गई, जहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए वहाँ पे क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। याद रहेगी बात, अतिशयोक्ति के सात, मेरे प्यारे बच्चे सात प्रकार हैं, लेकिन ये पढ़ने की जरूरत नहीं। अतिशयोक्ति में बहुत सात प्रकार का अतिशयोक्ति होता है, इतना पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे भैया, आपके लिए इतना नहीं है। आपके लिए सिंपल से उदाहरण आप देख लो, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। और ये मैंने आपको हम बताया भी था, ये उदाहरण सबसे पहला और सबसे प्यारा उदाहरण है मेरा, हनुमान की पूछ में, हनुमान की पूछ में, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लगन न पाई आग, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, सगरी लंका जल गई, लंका जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। तो साहब यहाँ पे ध्यान देना, हनुमान की पूछ में, पूछ पे यहाँ पे वो कर लेंगे, पूछ में लगन न पाई आग और सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अब ध्यान देना भाई कि ऐसा कैसे हो सकता है, हनुमान जी क्या बुझाने गए थे फिर, बिना पूछ में आग लगे ही उन्होंने लंका जला दी, सारे निशाचर भग गए। कनक लता पर चंद्रमा धरे धनुष द्वै बाण, कनक लता पर, अब ध्यान से देखें, इससे ज्यादा कनक लता रूपी सुंदर नायिका के चंद्र रूपी मुख पर धनुष बाण रूपी भौहें, बाण रूपी नेत्र कटछाओं से सुशोभित होती, मतलब ऐसा कनक लता पर चंद्रमा धरे धनुष द्वै बाण, मतलब ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। कनक लता, कनक लता, कनक लता पर चंद्रमा, कनक लता पर चंद्रमा, कनक लता पर चंद्रमा धरे धनुष द्वै बाण, धरे धनुष दो बाण, दो बाण, बाण। अब ध्यान से देखो यहां पे कनक लता पर, अब यहां पे हमने कह दिया, यहां कनक लता पे हमने कह दिया कनक लता रूपी नायिका पर, मतलब एक सोने की लता रूपी नायिका पर, जो उसकी आंखें हैं, जो उसकी पलकें हैं मेरे प्यारे बच्चे, और जो उनकी भौहें हैं, आप देखें भौहें ऐसी धरी हैं, भौहें ऐसे धरी हैं जैसे धनुष पर दो बाण धरे हों, जैसे धनुष पर दो बाण धरे हों, नेत्र कटाओं जो है नेत्र कटाक्षों से सुशोभित होती हैं। अब ऐसी ऐसी बातें कह देगा कोई तो मतलब कैसा लगेगा आपको, सब ऐसा कैसा लगेगा कि मतलब यहाँ हो ही नहीं सकता। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था इस पार। ये सारे उदाहरण मतलब ये आपके दिल को झकझोर देंगे भाई। तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयो जर छारा। तो भगवान ने तीसरा नेत्र जैसे खोला, तुरंत जो है उनको देखते ही जो कामदेव थे वो जल गए सब, कामदेव भस्म हो जाने का, नेत्र खोलने मात्र से ही, अभी नेत्र खोला तब तक वो जल गए सब। ऐसी बातें सुनकर भी आपका दिल दहल जाएगा, ऐसी ऐसी बात कही जाती है यहाँ पे। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे हुई हुआ, वह शर, सर मतलब तीर, वह सर गांडीव गुण से जैसे ही अलग हुआ, गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, तुरंत आप देखेंगे कि धड़ से जयद्रथ का इधर, धड़ से जयद्रथ का इधर छिन्न वैसे ही हुआ। इधर मतलब बाण छोड़ा गया, इधर बाण छोड़ा गया, अभी बाण वहां तक गया नहीं तब तक जयद्रथ का सिर कट गया। अगर कहीं पे भी आ जाए भैया, यह अतिशयोक्ति अलंकार है। अब इससे अच्छा अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण क्या लेंगे, एक और बात, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। पड़ी अचानक नदी अपार, अचानक जो है युद्ध करते करते नदी पड़ जाती है, अचानक युद्ध करते करते नदी पड़ जाती है, पड़ी अचानक नदी अपार, नदिया अपार। आप ध्यान से देखें, घोड़ा कैसे जाए पार, राणा ने सोचा इस पार, राणा प्रताप ने इधर इस पार सोचा, तब तक चेतक था उस पार, सोचने मात्र से तब तक चेतक की स्पीड देखो, वो नदी क्रॉस कर चुका था साहब। यहां पे आप देखेंगे कि सब देखते ही
काम हो जाता है यहाँ पे, इतना बढ़ा चढ़ा के चने की झाड़ पे चढ़ा दिया जाता है। कहते हैं राघव बोले देख जानकी के आनन को, मतलब राघव भगवान राम बोलते हैं देख जानकी के आनन को, मुख को स्वर्ग गंगा का कमल मिला जैसे कानन को। स्वर्ग गंगा का, स्वर्ग गंगा का कमल मिला जैसे कानन को। आप देखेंगे स्वर्ग गंगा का, गंगा रुकी स्वर्ग का कानन मिल गया जैसे, आप देखेंगे इतना ज्यादा बढ़ा चला के, कहां वर्णन मिलता है। क्लियर हो गई बात। पन्ना ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, पन्ना ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, नित्य प्रति पुण्य रहत आनन उप उजास। अब उनके घर के चार पार उदाउ जो है उजाला रहता है, ऐसा मतलब बढ़ा चढ़ा के, तू जो हंस दे बाहर आ जाए, तू ये कर दे तो वो हो जाए, ऐसी तमाम बातें यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। कोई भी परेशानी नहीं है भाई, अतिशयोक्ति अलंकार आपसे हो जाएगा। जहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है आपको समझना है अतिशयोक्ति अलंकार है। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत करने वाला जो अलंकार है उसकी बात करते हैं, उसकी बात करने जा रहे हैं भाई, संदेह अलंकार या फिर भ्रांतिमान अलंकार। तो संदेह अलंकार की बात करते हैं सबसे पहले। संदेह अलंकार, कौन से अलंकार की बात कर रहे हैं भाई? संदेह अलंकार की, संदेह अलंकार की बात कर रहे हैं, संदेह अलंकार की बात कर रहे हैं, संदेह अलंकार की बात। ज्यादा परेशान नहीं होना है। संदेह क्या है मैंने बता दिया, जहां पे संदेह बना हुआ हो, संशय बना हुआ हो, संशय बना हुआ हो, निर्णय न हो पाए, संशय बना रहे अंतिम तक, अंतिम तक, अंतिम तक निर्णय ना हो, जहां पे अंतिम तक संशय बना रहे, आप देखेंगे जहां उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता है, उपमेय में उपमान का संदेह हो जाए, उपमेय में उपमान का संदेह हो जाए, उपमान का संदेह हो जाए, जहां उपमेय में उपमान का संदेह हो जाए साहब, जहां उपमेय में उपमान का क्या हो जाए, संदेह हो जाए, वहां पे क्या हो जाता है, संदेह अलंकार। अब सबसे प्यारा पुराना एग्जाम्पल है दुशासन द्रौपदी के साड़ी को खींच रहा होता है, मैंने कहा साड़ी बीच नारी है, क्या कहता है, साड़ी नहीं कहता, सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि नारी बीच सारी है, कि नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी है कि नारी ही की सारी है, कि नारी ही की सारी है, कि नारी ही की सारी है, सारी है कि सारी ही की नारी है, कि सारी ही की नारी है, कि सारी ही की नारी है। तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है नारी सारी है कि सारी नारी है, नारी बीच सारी है, या सारी और नारी के बीच में कन्फ्यूजन बना हुआ है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है नारी सारी के बीच में। जहाँ पे कोई निष्कर्ष ना निकले, शुरू से लास्ट तक संशय बना रहे, संदेह अलंकार होता है साहब। निश्चय हो इन वस्तु को सो संदेह कहाय, किधौ इधौ यह की यह इति विधि शब्द जताए, किधौ इधौ ऐसे शब्द आ जाते हैं, अगर आप किधौ इधौ ध्यान से देखना, किधौ इधौ ऐसे शब्द आ जाते हैं, अगर ब्रज भाषा में आओगे, ब्रज भाषा के उदाहरण रहेंगे ब्रज भाषा में, तो किधौ इधौ आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, किधौ इधौ आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, किधौ इधौ आ जाएगा। कोई पुरंदर की किंकरी है या किसी सुर की सुंदरी है, हमने कहा कोई पुरंदर की किंकरी है या किसी सुर की सुंदरी है, किसी सुर की सुंदरी है, तो जितना आप देखोगे क्लियर नहीं होगा। हमने कहा राधा मुख अलि किधौ कैधो उग्यो मयंक, राधा मुख अलि किधौ किधौ
उग्यो महेंद्र, तो किधौ शब्द आ गया, तुरंत आप जान लेंगे कि ये चीज़ हो गई। एक एग्जाम्पल आपके लिए लिखता हूँ, निद्रा के उस अलसित वन में, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है और याद भी आप कर सकते हैं। निद्रा के उस अलसित वन में, निद्रा के उस अलसित वन में, अलसित वन में, निद्रा के उस अलसित वन में, निद्रा के उस अलसित वन में, निद्रा के उस अलसित वन में, ध्यान से देखें, निद्रा के उस अलसित वन में वह क्या भावी की छाया, वह क्या भावी की छाया, वह क्या भावी की छाया, भावी की छाया, वह क्या भावी की छाया, दृघ पलकों में विचर रही या वन्य देवियों की माया, दृघ पलकों में, दृघ पलकों में विचर रही, पलकों में विचर रही, दृघ पलकों में विचर रही, विचर रही, दृघ पलकों में विचर रही, या फिर आप देखेंगे या वन्य देवियों की माया, वन्य देवियों की माया, वन्य देवियों की माया। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी तकलीफ भी हो रही होगी आपको, क्योंकि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मैं आपके कमेंट्स नहीं ले पा रहा हूं, तो ये दिक्कत है, इस दिक्कत को भी सुधारी जाएगी। कोरोना वायरस के प्रकोप से ये जो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, इसमें और सुधार किया जाएगा, और सुधार की गुंजाइश है, निश्चित रूप से और बेहतर होगा, और बेहतर की संभावना है। आप जहाँ रहें सचेत रहें, अच्छे रहें, और अपना ख्याल रखें भाई, अपना ख्याल रखें, जल्दी बस इतना याद रखना है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल ये भी करेंगे, ये है सरस ओस की बूंदें हैं, ये है सरस ओस की बूंदें, एक एग्जाम्पल बस इसमें और करेंगे, ये हैं सरस, ये हैं सरस ओस की बूंदें, ए ये हैं सरस ओस की बूंदें, ओस की बूंदें, ये है सरस ओस की बूंदें। मेरे प्यारे बच्चे, निश्चय नहीं कर पा रहा है कि ये ओस की बूंदें हैं कि किंकरी है, कोई पुरंदर की किंकरी है, किंकरी है, कोई पुरंदर की किंकरी है, कोई पुरंदर की किंकरी है, या कोई पुरंदर की किंकरी है, या किसी सुर की सुंदरी है, या किसी सुर की सुंदरी है, या किसी सुर की सुंदरी है, सुर की सुंदरी है, या किसी सुर की सुंदरी है, ये साफ देखेंगे आप। इतनी बात क्लियर हो गई, बस ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा परेशान होने की। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, कोई पुरंदर की किंकरी है या किसी सुर की सुंदरी है, तो जहाँ निश्चय ना हो पाए, ये है कि वो है, कहते हैं ये है कि वो है, कि वो है कि ये है, यही संदेह है, ये करूं या वो करूं, वो करूं या ये करूं, यही संदेह साहब। लेकिन अब इसके बाद आता है भ्रांतिमान अलंकार, जहां एक चीज को गलती से दूसरी वस्तु मान लिया जाए, भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, जहां एक वस्तु को दूसरी वस्तु गलती से मान लिया जाए। उदाहरणों का मैं पीडीएफ भिजवा दूंगा भाई, बहुत सारे उदाहरण भिजवा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी यहाँ पे जो कुछ हो सकता है उतना हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ओस बिंदु चुंग रही हंसनी मोती उनको जान, ओस बिंदु चुन रही, ओस बिंदु चुन रही, ओस बिंदु चुन रही, ओस बिंदु चुन रही हंसनी, ओस बिंदु चुन रही हंसनी उसको मोती जान, मोती उनको जान, मोती उनको जान। अब ध्यान से देखना, हमने कहा भ्रांति हो जाए, ओस बिंदु चुन रही, कौन सी बिंदु चुन रही, ओस बिंदु, क्या जानकर, मोती। जब एक चीज को गलती से दूसरी चीज जान लिया जाए, भ्रांति हो जाए, एक वस्तु का, एक वस्तु का गलती से, गलती से, आंखों की गलती से, आंखों की गलती से, की गलती से, या भ्रमवश, या फिर भ्रमवश, या फिर अंधेरे में, अंधेरे में,
एक चीज़ को दूसरी चीज़ मान लिया जाए, अंधेरे में एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेते हैं, वहाँ पे क्या होता भाई, वहाँ पे क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर, कोई डाउट कोई परेशानी नहीं होगी भाई। यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखना, दो प्यारे प्यारे उदाहरण कर लेते हैं भाई, दो प्यारे प्यारे उदाहरण कर लेते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, जानना भी होगा। फिरत, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। फिरत घरन नूतन पथिक, घर से एक नया पथिक निकला है। फिरत घरन, ये कई बार एग्जाम्पल आप में आया हुआ है, लूसन की किताब में यही एग्जाम्पल आपको मिलेगा। फिरत कहाँ, फिरत घरन नूतन पथिक, फिरत घरन नूतन पथिक, नूतन पथिक, फिरत घरन नूतन पथिक, एक नया पथिक रहता है, वो घर को वापस चला जाता है। चले चकित चित भाग, चले चकित चित भाग, चले चकित चित भाग, चले चकित चित भाग, चले चकित चित भागी, चले चकित चित भागी। क्लियर हो गई बात? दूसरी लाइन में कहता, फूलियो देखी पलास बन, अब पलास के पौधे को फूला, फूलों फूल देख के पलास के पौधे, फूलियो देखी पलाश बन, फूलियो देखी पलाश बन, देखी पलाश बन, पलास के पीले पीले फूल देख के वो बड़वा अग्नि समझ लेता है, देख बन की अग्नि समझ लेता, देखी पलाश वन, पहली बार देखता है पलाश वन, फूलियो देखी पलाश वन, चले चकित चित भाग, चले चकित चित भाग, चित भाग। तो साहब एक चीज को आप देखेंगे, भाग, चले चकित चित भाग, इसको देख के ही क्या हो जाता है, आप फूले देख पलास वन, ये फूलों के पलास के वन को देख के क्या समझता है, दावा अग्नि समझ लेता है, दावा अग्नि, फूलियो देख पलास बन, समुझे समूहे समुझ दबाग, यहाँ पे लिखेंगे समूहे समुझ दबाग, समूहे समुझ दबाग, समूहे समुझ दबाग, समुझ दबाग, दबाग, दबाग मतलब जंगल की अग्नि, जंगल की अग्नि, जंगल की अग्नि। क्लियर हो गई भाई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट कोई परेशानी? किसी एक बच्चे को भाई, किसी एक बच्चे को कोई डाउट कोई परेशानी? हाँ जी भाई, किसी एक बच्चे को कोई डाउट कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे, शानदार। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, मुन्ना देख देख, मुन्ना देख माँ के सर के सर पे दो चोटी, ऐसा समझे जैसे सांपिन लोटी। तो ऐसा भी है, ऐसे भी एग्जाम्पल जो है आते हैं। पेशी समझ माड़िक को, वह बिहग देखो ले चला, बिहग पक्षी जो है ले के चला गया, क्या समझ के, पेशी समझ माड़िक को, वह बिहग देखो ले चला, जान श्याम को श्याम घन नाच उठे बन मोर, जान श्याम को श्याम घन, अब ध्यान से देखो, जान श्याम को श्याम घन, श्याम घन, नाच पड़े बन मोर, नाच पड़े बन मोर, वन मोर। अब गलती से भगवान श्याम को देख करके, घनश्याम को देख करके घनश्याम समझ लिया, श्याम घन समझ लिया, बादल समझ लिया, और नाच पड़े भाई, नाच पड़े वन मोर। तो गलती से जहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ ली जाती है, वहाँ पे साहब क्या होता है, वहाँ पे होता है भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। बस ये बात आपको जानना है, पहचानना है, समझना है। अब आता है दृष्टांत अलंकार, अब आता है व्यतिरेक अलंकार। कई बार जो है दृष्टांत में कोई बात कही जाती है, उसके आगे का दृष्टांत दिया जाता है, इसकी चर्चा करेंगे दृष्टांत अलंकार में। एक बात में कोई बात बताई जाती है, दृष्टांत का मतलब
कोई एक दृष्टांत घटना का वर्णन करना अपनी बात को सही करने के लिए, अपनी बात को सही करने के लिए किसी घटना का वर्णन करना दृष्टांत अलंकार कहलाता है। क्लियर? पहली लाइन में हम कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है। मनुष्य जन्म मतलब मानुष जन्म, मनुष्य का मतलब मानुष जन्म, दुर्लभ है जन्म, दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। होत न दूजी बार, होत न दूजी बार, होत न दूजी बार, दूजी बार नहीं होता है, दूसरी बार, दुर्लभ है मनुष्य जन्म, तो देवताओं के लिए दुर्लभ है, दूजी बार नहीं होता है। जिस प्रकार से पक्का फल जो गिर पड़ा बहुर न लागे डार, पक्का फल, पक्का फल ज्यो गिर पड़ा, पक्का फल ज्यो गिर पड़ा, ज्यो गिर पड़ा, लगे न दूजी बार, बहुर लगे न डार, बहुर लगे न डार। बस ये वर्ण दे दिया, एक घटना का दृष्टांत सुना दिया कि ऐसा है भाई, दृष्टांत इस कारण है, जिस प्रकार से कोई दृष्टांत सुना दिया, यहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। इतनी बात क्लियर हो गई भाई, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आज के लिए भाई समय हो गया है, आज के लिए समय हो गया है, उदाहरण आपको मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपने समझ रखे हैं, तो बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, परेशान होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने कहा बहुत सारे एग्जाम्पल आपने कर लिए हैं, समझ लिए हैं, तो भाई ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, है ना? इतनी बात क्लियर है या नहीं है भाई? इतनी बात क्लियर है, आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? चलो आज के लिए जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।